हेलो स्टाइल एंथुसियास्ट, कैसे हैं आप सब। तो टाइटल और थंबनेल में आपने देख लिया होगा आज हम कौन से प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस इज मिसबाहुर रहमान, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पलीफाइड यू। फ्लैनेल एक टाइप का सॉफ्ट वूवन मटेरियल है जिसको बनाया जाता है कार्डेड ऊल से। बट आजकल यार मार्केट में आपको कॉटन ऊल सिंथेटिक सब टाइप का जो है वो फ्लैनेल मिल जाएगा। वूवन मटेरियल होने की वजह से दोस्तों आपको जो है वो लॉन्ग फैब्रिक के ऊपर बहुत सारा आपका छोटा छोटा फैब्रिक या फिर फाइबर देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली ऐसा ब्लैंकेट में होता है। और इस वजह से ये फैब्रिक जो है हीट को आपके बॉडी में ही ट्रैप करके रखता है, यानी कि आप अगर सिंगल सेंटेंस में कहो तो ये एक एज अ नेचुरल इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो दोस्तों फर्स्ट हम जिस ब्रांड के फ्लैनेल शर्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो है रोड स्टार, आपका मेरा सबका जाना पहचाना ब्रांड है भाई। दोस्तों ये एक चेक शर्ट है तो इसके ऊपर आपको जो है बहुत सारा कलर देखने को मिलेगा, बीज ब्लू, हल्का सा आपको रेड भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो है ये दोस्तों ये बहुत ही प्यारा और आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, मतलब न्यूट्रल कलर है। तो आपको आप इस शर्ट को जो है किसी भी शर्ट के साथ, किसी भी कलर के साथ जो है आप इसको मैच कर सकते हैं। और ऑनेस्टली बताऊँ यार, ये कलर ना मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब ये ओवरऑल जो शर्ट है ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि बहुत क्लासिकल लग रहा है थोड़ा देखने में। दोस्तों अगर फैब्रिक की बात करो तो देखने में ये आपको ना बिल्कुल ऊल का बना हुआ लगेगा, लेकिन भाई ये ऊल का नहीं है, ये कॉटन मटेरियल से बनाया गया है। दिखने में दोस्तों ये आपको ऐसा लगेगा कि बहुत थिकनेस है, मतलब ऊल से बनाया गया है जैसे मैंने अभी पहले कहा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका थिकनेस जो है उतना भी कुछ खास नहीं, मतलब है ठीक ठाक है दोस्तों, ठंडे में आप इसको पहनना अच्छा लगेगा, लेकिन उतना भी बहुत ज्यादा नहीं है। और गर्मी के दिन में भी आप चाहो तो इसको कभी कभी पहन सकते हो, मतलब टी शर्ट के ऊपर पहन लेना अगर ज्यादा गर्मी ना हो तो। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम लोग मैक्सिमम सॉलिड्स का ही रिव्यू करते हैं, बट ये जो फ्लैनल है दोस्तों ये सॉलिड में उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हमने ये ब्लू बीच ये कॉम्बिनेशन वाला जो पैटर्न टाइप का जो है ये मैंने हमने ये मंगवाया है। और ये ऑफिस में तो आप उतना नहीं पहन सकते हो, बट हाँ अगर आप कैजुअली पहनोगे स्ट्रीट स्टाइल के लिए तो परफेक्ट है। साइज की बात कर लेते हैं दोस्तों, एम साइज है, रिलैक्स फिट है, और इस वीडियो में देख सकते हैं ये जो शर्ट है इसका फिटिंग कैसा लग रहा है। दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो भाई टैग प्राइस तो हमेशा औकात से बाहर रहता है भाई, लेकिन भाई मिंट्रा से हमने इसको परचेस किया ओनली 899 या फिर 900 ऐसा कुछ रुपए में हमने इसको परचेस किया है। सो अगर प्राइस के हिसाब से बात किया जाए दोस्तों, तो प्राइस के हिसाब से ये जो शर्ट है ना, लुक्स क्वालिटी सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास ब्रांडेड महंगे खरीदने के पैसे नहीं है तो स्टिल ये काफी अच्छा है, बजट में बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकेंड रिव्यू से पहले आपको बता दूं, हमने अपने विंटर वार्डरोब अराउंड 1000 रुपीस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डेनिम बॉम्बर हुडी टर्टलनेक का रिव्यू ऐड कर दिया है, तो प्लीज चेकआउट कर ले एक बार। दोस्तों सेकेंड हमारा शर्ट है, फ्लैनेल शर्ट है द बेयर हाउस ब्रांड की तरफ से, काफी अच्छा खासा ब्रांड है, मैंने इसका बहुत सारा मतलब प्रोडक्ट यूज किया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो है वो मुझे कमेंट करते हैं यार कि बेयर हाउस कर रहे हैं बात करने के लिए, तो लीजिए आपकी फरमाइश पूरी कर दी हमने। तो जैसा कि दोस्तों फ्लैनेल शर्ट जो है वो चेक मटेरियल में ही ज्यादा आते हैं, मतलब आते हैं दूसरे वाले भी, लेकिन चेक वाला जो वेरिएशन है ना वही ज्यादा पॉपुलर है, वो ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये भी आपको इसमें भी आपको मेनली आपको जो है ब्लू, लाइट ब्लू, नेवी ब्लू, बहुत सारे कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो मल्टी कलर आप बोल सकते हैं उसको। लेकिन ओवरऑल जो इस शर्ट में जो एक्सपोजर है वो नेवी ब्लू कलर का ही ज्यादा है, और हल्का सा रेड आपको जो है वो विजिबल होगा, ठीक ठाक है, उतना ज्यादा मुझे क्लासिकल नहीं लगा, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब अच्छा है, आप पे अगर आपका स्किन टोन थोड़ा फेयर है तो आप पे सूट करेगा ये वाला कलर। तो दोस्तों ये शर्ट भी जो है ना आपको देखने में बिल्कुल आपको वैसा ही लगेगा कि वूलन टाइप का है, बट ये दोस्तों 100% प्योर कॉटन मटेरियल से बनाया गया है। थिकनेस की बात करो तो इसका जो थिकनेस है वो शर्ट से थोड़ा ज्यादा है, और मैंने इससे पहले जो रोडिस्टर का जो मतलब शर्ट फ्लैनेल शर्ट का रिव्यू किया उससे थोड़ा सा कम है। स्टाइल की बात करो तो यार सिंपल कैजुअल स्टाइल है, वही आप कैजुअल वगैरह में इसको पहन सकते हो। देखो जो फ्लैनेल शर्ट है ना इसको मैक्सिमम कैजुअल या फिर स्ट्रीट स्टाइल में पहना जाता है, उतना ज्यादा आपका ऑफिस में बहुत पहना जाता है, लेकिन बहुत कम पहनते हैं लोग, तो ये भी जो है आपका मतलब कैजुअल में ही आएगा। बट आप स्टिल अगर इसको चाहो तो आप इसको ऑफिस मतलब टकिंग करके पहन सकते हो। इस शर्ट का जो साइज है वो एम साइज है, और हाँ स्लिम फिट है, तो फिटिंग थोड़ा सा अच्छा आएगा अगर आप स्लिम हो मेरे तरह तो। और हाँ इस वीडियो में देख सकते हो आप कि ये जो शर्ट है इसका फिटिंग कैसा लग रहा है। तो अगर प्राइस की बात करो तो इसका भी प्राइस लगभग कोई 2500 के आसपास है टैग प्राइस, बट मिंट्रा से हमने इसको परचेस किया ओनली 1200 रुपीस के आसपास। प्राइस के हिसाब से ये शर्ट भी काफी अच्छा है, मैं खराब नहीं कहूंगा, इसका भी क्वालिटी ठीक ठाक है। अगर आप एक मतलब उतना ज्यादा आपको मतलब थिक मटेरियल नहीं चाहिए, बस एक नॉर्मल फैलने जैसा दिखना शर्ट चाहिए जिसको आप मतलब समझ में भी कभी कभी पहनना चाहते हो, तो फिर आप ये शर्ट की तरफ जा सकते हो, अच्छा है। सो जेंटलमैन ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं था, बट हाँ अगर आप चाहें तो हमें हेल्प कर सकते हैं, कैसे, नीचे लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और यूट्यूब भी इस काम को थोड़ा और लोगों तक स्प्रेड करेगा।
तो दोस्तों थर्ड हम जिस शर्ट का रिव्यू करने वाले हैं ना, ये एक प्योर फ्लैनल शर्ट है और दोस्तों इसका जो थिकनेस है वो भी काफी अच्छा है। ब्रांड H&M, नाम तो सुना ही होगा। इस शर्ट का जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन कलर है, उसके ऊपर आपको जो है वो ब्लैक ग्रे बहुत सारे तरह का चेक देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो 2-3 सालों से जो है वो ऑलिव ग्रीन कलर या ग्रीन कलर बहुत ट्रेंडिंग में है और इस साल भी ये ग्रीन कलर जो है बहुत से लोग इसको पसंद करेंगे। तो आप चाहो तो एक भाई लेके रख देना, अच्छा लगता है ऐसे, बहुत अच्छा ग्रीन लगता है कलर मुझे। फैब्रिक की बात करूं तो ये भाई काफी मतलब मोटा है इसका थिकनेस और मुझे लगता है कॉटन के साथ शायद ऊल का ब्लेंड यूज किया गया इसमें। मैं श्योर नहीं हूं बट हो सकता है कॉटन के साथ आपका ऊल का ब्लेंड यूज किया गया। थिकनेस भाई बहुत ही जबरदस्त है इसका, मतलब आपसे H&M भाई बहुत थोड़ा हाई पेक लेता है इन सब शर्ट के लिए, लेकिन भाई इसका जो है थिकनेस काफी अच्छा है और काफी मजेदार है इसका पहनने में, आपको ठंडे में तो भाई मजा आ जाएगा। So, अगर आप चाहो तो इसको बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि इसका थिकनेस बहुत ज्यादा है तो आप चाहो तो इसको हुडी के ऊपर पहन सकते हो या फिर लेयरिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर कुछ मत पहनना क्योंकि ये इसको अगर आप टॉप में रखो ना हुडी के ऊपर या टर्टल नेक के ऊपर तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसका साइज M है भाई और रिलैक्स फिट है। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होगे कि भाई सारा M क्यों है, क्योंकि ये तीनों ही जो फ्लैनल शर्ट है ना मेरा नहीं है भाई, मेरे भाई का है, उसने खरीदा था तो मैंने कहा चल यार दे दे, बैती गंगा में हाथ धो लेते हैं, थोड़ा रिव्यू वगैरह बना के अपने व्यूअर्स को डाल देते, कम से कम थोड़े पैसे बच जाएंगे। खैर कोई बात नहीं। और हाँ, फिटिंग अगर देखना चाहते हो तो इस वीडियो में देख सकते हो कैसा लगा, थोड़ा लूज फिटिंग होगा भाई, लेकिन लेन थिन हो तो S ही परचेस करना, वो आपको ज्यादा अच्छा फिटिंग आएगा। ऐसे भाई M मत ले लेना, मेरा भाई थोड़ा स्ट्रीट स्टाइल फॉलो करता है ना, इसीलिए थोड़ा साइज एक्स्ट्रा लेता है। अगर प्राइस की बात करो तो इसका जो प्राइस था, मैंने H&M से परचेस किया था, 2000 के आसपास इसका पड़ा था। और H&M का प्रोडक्ट भाई आपको पता ही है थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि भाई क्वालिटी मिलता है इसमें भाई बेसिकली। अगर आपको एक प्रॉपर जो है वो फ्लैनल शर्ट चाहिए, मतलब थिकनेस भी आपको अच्छा चाहिए ठंडे में पहनने के लिए बेसिकली स्पेशली, तो फिर आप इसके तरफ जा सकते हो। जैसा पैसा है भाई वैसा इसका मतलब क्वालिटी भी मतलब अच्छा है भाई, मैं खराब नहीं कहूंगा, बहुत ही अच्छा है। H&M को खराब मैं कैसे कह सकता हूँ भाई, नीचे गालियां पड़ेंगे तब तो। एनीवे यार जोक्स मार रहा था, नहीं अच्छा है वाकई में, ये अच्छा है, प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है। आप चाहो तो इसको ले सकते हो अगर आप एक प्योर खरीदना चाहते हैं तो। तो वीडियो को समराइज करते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप मतलब बजट में, बहुत ही कम बजट में अगर एक फ्लैनल जैसा दिखने में शर्ट ढूंढ रहे हैं कि देख के आपको मतलब दूर से देखकर जो है वो फ्लैनल वाला फील आएगा, थिकनेस उतना कुछ खास आपको मैटर नहीं करता है, तो फिर आप जा सकते हैं रोडिस्ट्रा की तरफ। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मतलब वेयर हाउस ब्रांड की तरफ जाना है आपको, तो फिर आप वेयर हाउस जा सकते हो, वो भी अच्छा है, वो उसको आप जो है गर्मी में पहन सकते हो, ऑल ओकेजन आप इसको पहन सकते हो और दिखने में भी बिल्कुल फ्लैनल जैसा है। और अगर आप एक प्योर आपको चाहते हो कि नहीं एकदम भाई आपको प्योर फ्लैनल शर्ट ढूंढना है, तो फिर भाई आप खरीद सकते हो हमारे H&M भैया को। जैसे कि आप सबको पता ही है, आपकी फरमाइश पूरी करते रहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन और किसी स्पेशल ब्रांड या प्रोडक्ट अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को अपने फैशन लवर दोस्तों के साथ भाई के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपको बताइए हम अपना कम्युनिटी और बड़ा करना चाहते हैं। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जबरदस्त अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय।